अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हाँ जी, आज मैं माश की दाल, ये माश साबत और चने की दाल, ये बनाने लगी हूँ। इसमें जाएंगे नमक मिर्च वगैरह, ठीक है, गरम मसाला है, नमक मिर्च हल्दी और ये ज़ीरा कलवंजी, ठीक है, और ये तड़के के लिए ना लहसुन अदरक हरी मिर्ची और ये धनिया, ठीक है। अब मैं डालने लगी हूँ आधा किलो ये दाल है चने की, ये डाल देनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है, और ये डाल देने हैं माश, आध पाव है, आधा किलो है और ये आध पाव, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी ये 3 चम्मच डालूँगी, ये टीस्पून है सुरख मिर्च, और 1 डालूँगी हल्दी, ठीक है, और नमक के 2 डालूंगी, क्योंकि नमक का बाद में इलाज हो जाएगा, ये 2, और 1 गरम मसाले का ये डालूंगी, ठीक है, 1 चम्मच, और थोड़ा सा 1 चम्मच ज़ीरा, ठीक है, और जाएगा क्या कहते हैं ये लहसुन, ठीक है, और ये इसको मैं बंद करने लगी हूँ, ठीक है, आधा 25 मिनट में, 25 मिनट के बाद मैं ना ये प्रेशर बंद करके 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए नाज़रीन, मैंने ना 25 मिनट के बाद ये दाल बन गई, इस तरह की हुई है, ठीक है। अब ये मैं तड़का लगाने लगी हूँ, ये मैं तड़का लगाने लगी हूँ। इसमें मैंने ये दातर कर लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे वो साबत नहीं खाते, लहसुन अदरक, ठीक है, ये तड़का लगाने लगी, ये मिर्चे डाल देनी है इसमें दाल में, ठीक है, ये मिर्चे डाल दी, ये देखिए इसकी दो, अभी इसमें धनिया, ठीक है, देखो ये देखिए लहसुन और अदरक का तड़का लगता है ना इसको, देखिए कैसा इसका कलर आया। इसमें अब मैं डालूंगी ज़ीरा, ठीक है, ये ज़ीरा देखिए इसकी लुक, देखिए अब इसको तड़का लगाने में, बिस्मिल्लाह, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें मैंने डिश आउट कर लिए, आप मुझे बताएं कि ये कैसी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़े की, मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये खाने का, ये देखिए तड़का, ठीक है, मेरा दिल कर रहा अब ये जल्दी जल्दी खा लो। आप लोगों का क्या दिल कर रहे हैं, ये साबत माश है और चने की दाल है, ठीक है, और ये बहुत मज़े की लगती है, और ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है, ठीक है, और दुआ में याद रखें, मैं भी रखती हूँ आपको, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।